गुप्ता, भाजपा अध्यक्ष उधमपुर मंडल। आज का जो एक बहुत बहुत बड़ा दिन है, 5 अगस्त का दिन, जो भारतीय जनता पार्टी की नींव में एक स्वर्णिम सपना रखा गया था कि एक विधान एक निशान, जो हमारा ख्वाब था, जो हमारे फाउंडर मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, तो आज के दिन वो एक विधान एक निशान और जम्मू का कश्मीर का पूरे विलय जो भारत के साथ हुआ है, जिसकी खुशी में आज हमने यहाँ फुहारा चौक में तिरंगा लहराया। इसके साथ साथ जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, उसकी गाइडलाइन को देखते हुए बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने नहीं रखा, कुछ मुख्य कार्यकर्ता ही इस उपलक्ष में उपस्थित हुए। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम जो हमारे हृदय में वास करते हैं और कण कण में विराजमान हैं, उनका जो अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले वर्ष जो नीम पत्थर रखा, उसी के खुशी के ऊपर भी आज सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे जिला उधमपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय जो धार्मिक महीना चल रहा है, उसी के साथ साथ आज के दिन प्रभु राम जी का नाम लेकर एक देसी घी का दिया अपने घरों में जलाएं। और 370 के आज 2 साल होने जा रहे हैं, क्या कुछ अचीवमेंट मानते हैं जम्मू कश्मीर के? भाई साहब, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की जो आबादी, जिसको हम मातृशक्ति कहते हैं, आज वो गौरवान्वित है कि आज वो पूर्ण रूप से देश का हिस्सा है और पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। थैंक यू।